आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है तो वहीं हरदा के कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने भी आज संसद में हरदा ब्लास्ट का मुद्दा उठाएंगे। दूसरे दिन की सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने नकली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस विधायक ने हरदा हादसे पर अनोखे तरीके से विरोध जताया। विधायक रामकिशोर दोगने ने सुतली बम की माला गले में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक रामकिशोर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जता रहे हैं। दोगने सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। इस बात का वो विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन की गलती से ये घटना हुई है। साथ ही उन्होंने 100 लोगों के मलबे में दबे होने को लेकर भी कहा। हालांकि हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने को विधानसभा के गेट पर मार्शलों ने रोक लिया और विधायक के गले में सुतली बम की माला उतरवाई। साथ ही विधायक रामकिशोर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 4 लाख रुपए मुआवजे और कलेक्टर एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष की सरकार ने इसको लेकर ही पूरी तैयारी की है। इसी रणनीति के तहत विपक्ष आज विधानसभा पहुंचे। हरदा से कांग्रेस विधायक ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। बता दें कि हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग को भी हटा दिया है। साथ ही एमपी संजीव कुमार कंचन को हटाकर भोपाल हेडक्वार्टर भेज दिया है। कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हादसे में लोगों के घर और जीवन तबाह हो गए हैं। सरकार को भी इस पर ठोस कदम उठाना होगा। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर पटाखा दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम मोहन यादव ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों को अच्छे से समुचित उपचार के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने घायलों को आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। दुर्घटना में घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। घायलों को सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस हादसे में उनके घर पूरी तरह खराब हो गए हैं, मवेशी भी मारे गए हैं, जिस पर सीएम यादव ने हरदा कलेक्टर को क्षतिग्रस्त आवासों की लिस्टिंग करने और पीड़ित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि घायल मवेशियों का बेहतर उपचार किया जाएगा। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि मृत हुए मवेशियों का मुआवजा भी प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, जैसे मंत्री रावदेव प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पे जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हैं। सीएम हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायलों से जब मिलने पहुंची तो सीएम मोहन यादव ने कहा जो लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या सबसे बड़ी संख्या में
भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था, राहुल प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहां आया भी हूं। और यहां घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहां के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊंगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।